और हर तरह से आपको सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपके वॉलंटियर्स और इस देश की इस दिल्ली की पुलिस आपके सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। हमारी बात यहाँ के कोतवाली इंचार्ज साहब से हो रही है, आपकी सुरक्षा के लिए वो तैनात रहेंगे। एक बड़ी आपकी रैली निकलेगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर भूषण मठ कर्नाटक का स्टेट पेशेंट हूं। मैं बधाई देता जाता हूं कि हमारी जो NMACC जो टीम है और दिन रात काम करके हम लोगों को इंसाफ दिलाने की जो मुद्दा उठाई है ये बहुत पहले करने की थी, लेकिन आज करके दिखाया है हम आपके साथ है, हम के लिए आपके लिए हम लड़ेंगे। उसने इतना एक बहुत जिम्मेदारी डिसीजन लिया है। हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि सब लोग उनका साथ दे। जब तक हमको इंटीग्रेशन नहीं मिलेंगे तब तक हम लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जरा सोचिए, क्या आपको स्टेट का CM को मालूम नहीं है हम इंटीग्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आपके SP को मालूम नहीं है? क्या आपका DC को मालूम नहीं है? सबको मालूम है, प्रधानमंत्री को भी मालूम है, हेल्थ मिनिस्टर को भी मालूम है, आयुष मिनिस्टर को भी मालूम है, लेकिन सब लोग चुप है। क्यों क्यों चुप है? क्योंकि हमारा सर्विस नीडेड है, पब्लिक को सर्विस चाहिए, नीडेड है, इसलिए वो लोग चुप है। नहीं तो कानून हमारे ऊपर लगती थी, वो लोग एक्शन लेती थी, क्योंकि जब पब्लिक का क्वेश्चन आता है ना सब लोग चुप रहता है। इसलिए हमारा सर्विस जो है वो पब्लिक को पसंद है। जब पब्लिक को पसंद है आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप पब्लिक को बवाल नहीं छानते? पब्लिक का साथ नहीं देते? पब्लिक का हेल्थ सुरक्षा नहीं करते? हम यही आप गवर्नमेंट से पूछा जाता है, जो सरकार बोलती है पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए है। जो सरकार बनती है इसीलिए हम सरकार तो नहीं करता है। जो पब्लिक का डिमांड है, जो पब्लिक को सर्विस चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। इसलिए आपको विनती है कि पब्लिक का बात मान लो, हमारी नहीं पब्लिक को चाहिए। हम सरकार से विनती ये कर रहे हैं, जो जनता की डिमांड है, जो जनता चाह रहे हैं, जो जनता आपको चुना है, वो लोग पूछ रहे हैं इन लोगों को क्यों इंसाफ नहीं दे रहे आप? हमारी डॉक्टर लोग है, हमारी हेल्थ का सुरक्षा कर रहे हैं, जो भी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चाहिए वो लोग दे रहे हैं, उनको इतना ही काफी है। लीगल करो, जो इलीगल कर रहा है इसलिए लीगल करके हमें और बहुत ट्रीटमेंट देने की उन लोगों को परमिशन दो बोल रहे हैं। इसलिए वही डिमांड हम रख के इधर बैठा है। सब लोग दूसरे दूसरे जगह से आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इतना भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत अच्छी हो गए हैं। सरकार को ये पहुंचेंगे, सरकार के हम बात पहुंच के तिरेंगे, बाद में मोदी से हम बोलेंगे। आप बोलता है ना सबके साथ सबके विकास, अभी दिखाओ हमारे साथ, जाओ विकास कराओ, क्यों नहीं बनाएंगे।
इसलिए मोदी जी आपका सभी एनआईएम की तरफ से हम विनती कर रहे हैं, आपकी जो बात है सब लोग मानते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं, सब लोग मानने के तैयार है, लेकिन आप सवाल ये उठा है कि जब आईएसएम डॉक्टर्स का साथ आप दे तो वो बात माननी चाहेंगे, सब लोगों को पहुंचाएंगे हम लोग, क्योंकि हम नहीं एक राष्ट्र का नहीं है, एक जिला का नहीं है, एक स्टेट का नहीं है, पूरी इंडिया का जो लोग अमा है डॉक्टर साहब है, हम लोग पब्लिक को पहुंचाएंगे। मोदी जी जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे बोल के, इसलिए मैं लास्ट से आपको विनती करता हूं, सबको जो भी आपका बहुत दूर से आया है थोड़ा कष्ट तो होंगे, लेकिन इस पर आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, जब तक इंटीग्रेट नहीं मिलेंगे तब तक सोएंगे नहीं, हम लगातार कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, लगातार ये गवर्नमेंट को हम सिखाएंगे कि जरूरत हमारी है, हमारी हेल्थ को जरूरत है बोल के, इसलिए भाई लोग आप थोड़ा ये सपोर्ट कायम रखिए, ये एक दिन का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेंगे जब तक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस लीगली परमिशन हमको नहीं मिलेंगे, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, पब्लिक को हम बोलेंगे हमारे साथ नाइन साहब भी हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ दो, आप भी हमारे साथ दो, ये हम जीत लड़के हम जीत हो जाएंगे बोल के, जो परमिशन दिया है बात करने के लिए थोड़ा मुझे गलती हुई तो माफ कर लो, बाद में NMACC वाले को थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, जय NIMA, धन्यवाद डॉक्टर भूपेंद्र जी, मैं आभारी हूँ कि आप आज हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ जमा हुए इकट्ठा हुए मेरे आईएसएम भैया, आपको सादर प्रणाम, आज आपके स्वाभिमान के लिए, खुद के स्वाभिमान के लिए आज आप देश के कोने से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपकी रोजी रोटी के लिए आज का पूरा दिन गए, तीन दिन से आप घूम फिर के संपूर्ण देश से यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमको यहाँ से निकलने के बाद माननीय बापू जी के पास जाना है, गांधी जी के पास राजघाट में जाना है और उनसे कहना है, बापू जी आपने हमें कहा था देहातों की तरफ चलो, देहातों की तरफ चलो, हम चल लिए देहातों की तरफ, मेरा हर आयोजन ग्रेजुएट देहातों की तरफ चला गया, जो बाकी प्रैक्टिशनर थे वो गांव में ही रह गए, हमने देहातों की तरफ चले गए, वहां की आरोग्य व्यवस्था संभाली, संभालने के बाद आज यहाँ तक ये शासन हमें क्या दे रहा है, इसके फलस्वरूप ये शासन हमारा जो पुराना था इस आयत जिसे आप 1970 के तहत हमारे जो अधिकार थे वो बदल करके NCISM बिल में हमारा वो सपोर्ट निकाल रहे हैं, संगठन की तरफ से मेरे विनती करते हैं कि यह हाल ये जो जगह है ये हम छोड़ेंगे तो रैली के इसमें छोड़ेंगे और जाएंगे तो कहां, राजघाट के बापू बापू जी के पास जाएंगे, उनको कहेंगे हम मां
बाद से हम करते आ रहे हैं। अप्रैल में हमने सब जगह पे निवेदन देना शुरू किया, हमने हर राज्य में हमारे सब सीएम साहब को निवेदन दिया, हमने नीति आयोग के सम्मान्य वाइस चेयरमैन साहब को भी निवेदन दिया, हमने सब सांसदों को मिलकर बताया कि यह लड़ाई हमारी नहीं आपकी भी है, क्योंकि आपके जो वोटर्स है वही इसमें ज्यादा से ज्यादा हम पर होंगे, उनको सुविधा देने में कठिनाई होगी, इसीलिए ये आपसे जुड़ी बात है। उन्होंने भी अच्छा हमको सहयोग दिया और वो सब हमारे साथ है। आज हम इस तरह हमने सब ठीक 17 को हमारे सब जिला के स्तर पर हमने ये निवेदन दिया कि और मेरा हम ये सब आज तक की सब चीजें यहाँ पे हमने आपके सामने रखी है, अगर फिर भी आपको होश नहीं आता, फिर भी इस राज को होश नहीं आता, तो हम 6 नवंबर को आगे यहाँ पे दिखाएंगे और यही दिखाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरे सब भाइयों, आज आप सब यहाँ पे आए और अपनी ये स्वाभिमान की लड़ाई में आप सब शामिल हुए, मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जब तक हम यहाँ की रैली खत्म करके, यहाँ की मेयर सभा खत्म करके बापू जी के पास में पहुंच जाए, हमारी ये आज के दिन का पूरा शेड्यूल पूरा नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखिए। जय हिंद, जय मीना। जय मीना।